नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी का यह छठवां मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट संख्या 6 है और लगातार मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यह जो भी मॉक टेस्ट हैं परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह सभी मॉक टेस्ट जो हैं वह एनसीईआरटी बेस हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी गुणवत्ता को देखिए। और ऐसा मॉक टेस्ट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर इस मॉक टेस्ट में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यकीन मानिए, और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यकीनी तौर पर बोल रहा हूँ कि अगर इसे परीक्षा होने तक फॉलो कर लिए तो फिर देखिएगा चमत्कार आप करेंगे परीक्षा हॉल में। तो आइए सीधे छठवां मॉक टेस्ट है पीजीटी इकोनॉमी का, और यह साथ ही साथ आपको एसएसटी टीजीटी एसएसटी में भी आपका काम देगा, जिनका भी इकोनॉमी सब्जेक्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यह छठवां मॉक टेस्ट है। एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, रामबाण मटेरियल मिलेगा। किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी विषय का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री मिलेगी आपको टीजीटी पीजीटी में, जो भी सब्जेक्ट हो आपका। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह स्क्रीन पर शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं जिनको भी मटेरियल चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। और मटेरियल जो है चार्जेबल है, जो सीरियस कैंडिडेट आएंगे होंगे वही आएंगे। और एक बात बता दूं, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, लेकिन जो भी मटेरियल है वो अति महत्वपूर्ण है, रामबाण है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर एक देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो यह भी सही है। तो प्रश्न वन और टू दोनों सही है। कौन सा कथन सही है? तो वन और टू दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त तो दोनों कथन सही है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांशतः प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी या मत्स्य पालन या वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे मान लीजिए गेहूं जो है वह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, लेकिन उसी गेहूं से अगर बिस्कुट बनाई जाती है तो वह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि हो जाती है। प्रश्न नंबर दो देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तृतीय क्षेत्र की गतिविधि, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। तो बिल्कुल सही है, यह जो ऑप्शन है यह तो सही है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है यह कह रहा है? तो वन और टू दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत होती है, तो परिवहन जो होता है वह तृतीय क्षेत्र की गतिविधि होती है। जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं आदि आदि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बाजार सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो सही तरीके से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो देखिए चार तरह की परिभाषाएं दी गई हैं, कौन सही तरीके से परिभाषित करता है, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। ए है किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो देखिए यही जो है यह सही है, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ए यही सही है, विकल्प ए। बाकी तीनों जो हैं गलत हैं कहीं ना कहीं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रक के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर चार देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, तो यह तो सही है, तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा योगदान है। भारत में लोगों
को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है, यह भी सही है, कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है कृषि पशुपालन में। तो तीसरा देखिएगा, भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि होगी उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, यह भी सही है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि तो होती है लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होती है, रोजगार में वृद्धि जो होता है तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है जहाँ उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तो 1, 2, 3 तीनों से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों, मतलब उपरोक्त सभी, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है तथा सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, किंतु रोजगार के संदर्भ में इसकी एकदम विपरीत स्थिति है, सबसे अधिक नियुक्ता प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है, परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र व मुख्यतः कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 3/4 है, परंतु ये आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीयक क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा, तो यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं, तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है ये कह रहा है, तो 1 और 2 जो है दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कृषि खनन एवं उद्योगों के विकास से परिवहन व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, अतः प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी, जिस कारण तृतीयक क्षेत्र के विकास में भी वृद्धि होगी। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य लक्षण यह दिखाई देता है कि यहाँ के अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में निवेशित होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि निमित्त होती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है, तो यह तो गलत है, बल्कि 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी, 1 और 2 सही है लेकिन 3 जो है गलत है, विकल्प सी सही है। कथन 1 और 2 सही है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों विनियमों की अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि होती है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। इस क्षेत्र के कर्मचारी नियुक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी बिखरी इकाइयां शामिल होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो यह तो सही है। दूसरा देखिए, यहां रोजगार सुरक्षित नहीं होता है तथा श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम या विनियमन नहीं होता है, तो क्या सही है? तो 1 और 2 जो है सही है लेकिन थर्ड जो है वह सही नहीं है, क्योंकि यह वो लाग असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम या विनियमन नहीं होता है। देखिए, असंगठित क्षेत्र के लिए भी सरकार ने नियम बनाया है लेकिन उन नियमों का पालन नहीं होता है, यह बात है। लेकिन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है, लेकिन तीसरा जो है गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देखिए, असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से मिलकर बनी होती हैं, इस क्षेत्र के नियम विनियमन तो होते हैं परंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की दुकान पर काम करता हो तो क्या है, वह असंगठित क्षेत्र है। सरकार ने नियम बनाया है कि आप यहाँ से यहाँ पर इतने दिन से इतने देर से इतने देर तक काम करें, सारे नियम बनाए हैं लेकिन उस नियमों का पालन नहीं होता है।
ठीक है सर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एसएसटी हो, आमतौर पर तो मुझे मैं या जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आमतौर पर यह टीजीटी या पीजीटी इकोनॉमी के लिए या फिर एसएसटी के लिए कैंडिडेट ही देख रहे होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।